अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस टेबल फोर। आज हम टेबल फोर पे बात करेंगे, इसके मुख्तलिफ टेक्निक, और इसको हम इस तरह से इसके जो मुख्तलिफ मेथड बताएंगे कि आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं, आपको याद करने में वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। ये टेक्निक सीख लें, आपको जब कभी भी टेबल बनाना हो इस टेक्निक को यूज़ करते हुए फोर का टेबल बना लें, और ये इंशाल्लाह फोर ईवर के लिए होगा, आपके जहन में नक्श हो जाएगा। और वीडियो भी मौजूद है, जब कभी भूलें आप फ़ौरन वीडियो देख लें, आपको ये आपके जहन में हमेशा ताज़ा रहेगा। मैक के अल्टरनेटिव रो ऑफ कॉलम 3 एंड कॉलम 2, यानी कि अल्टरनेटिव रो बनाएं दो कॉलम का और तीन कॉलम का। राइट इवन नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, 0, 2, 4, 6, 8 इन जिगजैग फॉर्म, और इवन नंबर को लिखें आप जिगजैग फॉर्म में, और इवन नंबर है 0, 2, 4, 6, 8। देखें ये शक्ल है, तीन कॉलम दो कॉलम, तीन कॉलम दो कॉलम, तीन कॉलम दो कॉलम, तीन कॉलम का। तो फर्स्ट राइट 0 एंड 2, तो हम जिगजैग फॉर्म में स्टार्ट करेंगे, टॉप से 0 और फिर 2 लिखेंगे, देन राइट 4 एंड 6। अब हम पहले हमने 0 और 2 लिख लिया था, अब 4 और 6 लिखें। हमने पहले कहा था कि हम इवन नंबर लिखेंगे 0, 2, 4, 6, 8, तो हम 0, 2, 4, 6 लिख चुके थे, अब हम 8 लिख रहे हैं। देखिए जिगजैग फॉर्म में 0, 2, 4, 6, 8 जिगजैग फॉर्म में। दूसरे इसमें आएंगे दूसरे राउंड पे, तो देखिए पहले हमने 2 रो छोड़ के फिर 2 रो लिया है, उसी तरह हम 0, 2 और लिखना लिखा है हमने, बिल्कुल पहले वाले को अभी फॉलो किया है, बिल्कुल पहले वाले की तरह हम 0, 2 के बाद 4, 6 लिखेंगे। पहले वाले अमल को फॉलो करते हुए 0, 2, 4, 6 के बाद आखिर में 8 लिख देंगे हम। पहले ऊपर वाले 2 रो को किया, फिर दूसरे वाले 2 रो को, अब आखिर वाले 2 रो को लिख रहे हैं। इसमें भी हमने अगेन वी फॉलो द सेम पैटर्न, यानी 0, 2 लिखा हमने, 0, 2 के बाद 6, 4, आखिर में 0, 2, 6, 4 के बाद आखिर में 8। इस तरह देखें पहले 2 कॉलम 2 रो, फिर दूसरा 2 रो, फिर तीसरा 2 रो। अब हमने यूनिट डिजिट लिख लिया, अब 10 डिजिट पे आ रहे हैं। इन द प्लेस ऑफ 10 वी राइट 0 इन द फर्स्ट रो, फर्स्ट रो में हम 0, 0 लिखेंगे। पहले रो में हमने 0, 0 लिखा था रेड से, अब हम ग्रीन से 1, 1 लिखेंगे दूसरे रो में। इन द प्लेस ऑफ 10 वी राइट 1 इन द सेकेंड रो, इन द प्लेस ऑफ 10 वी राइट 2 इन द थर्ड रो, अब तीसरे रो में हम 2 लिखेंगे। पहले रो में हमने 0, 0 लिखा, दूसरे में 1, 1, तीसरे में 2 लिखा है। पहले में 0, 0 लिखा, फिर 1, 1, फिर 2, 2, 2, फिर 3, 3 लिखा है। इन द प्लेस ऑफ 10 वी राइट 4 इन द फिफ्थ रो, अब हम फिफ्थ रो में 4 लिखेंगे, 4 सबके साथ 4, 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे सबके साथ। अब सिक्स रो में हम सबके साथ 5 लिखेंगे, इन द प्लेस ऑफ 10 वी राइट 5 इन द सिक्स रो। वी विल फॉलो सेम पैटर्न फॉर द फर्दर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4, और अगर हम इसको इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम जो है 4 का कोई भी मल्टीप्लिकेशन का सॉल्व कर सकते हैं, 4 को का टेबल बहुत आगे तक बना सकते हैं। अच्छा पहले रो में हमने वही पहले 0, 0 लिखा था, दूसरे रो में 1, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और उसके बाद 6, 7, 8, 9, 9 देंगे। देखिए तो अगर हम देखें तो 4, 4, 1, 4 ये है हमारे पास टेबल मौजूद है, 4, 2, 8 है, उसके बाद 4, 3, 12 है, 4, 4, 16 है, 4, 5, 20 है, 4, 6, 24 है, 4, 7, 28 है, 4, 8, 32 है, 4, 9, 36 है, 4, 10, 40 है। टेबल तो मौजूद है, अब इसको हम टेबल के फॉर्म में लिखेंगे। अब हमने टेबल बना लिया, इसको टेबल के फॉर्म में लिख लें, 4, 1, 4, 4, 2, 8, 4, 3, 12, 4, 4, 16, 4, 5, 20, 4, 6, 24, 4, 7, 28, 4, 6, 8, 32, 4, 9, 36, 4, 10, 40। अब 4 के टेबल बनाने के सेकेंड मेथड को बनाएंगे। देखिए हमने 5 कॉलम का 2 रो बनाया है, और इसमें हम m लिखेंगे, पहले नीचे वाले
पहले कॉलम में नीचे वाले रॉ पे लिखेंगे, फिर उसको लकीर बनाते हुए दूसरे कॉलम में ऊपर वाले रॉ में लिखेंगे, फिर इसको नीचे लाएंगे, तीसरे कॉलम में नीचे वाले में लिखेंगे, फिर चौथे कॉलम ऊपर वाले ऊपर ले जाएंगे, फिर पांचवे कॉलम में नीचे लाएंगे। देखिए एम बन गया, इसी तरह हम नीचे वाले में बनाएंगे। अब एम के हर कोने पे हम लिखेंगे पहले 2, 4, 6, 8, 0 यानी इवन नंबर हम लिखेंगे 4 के टेबल के लिए। एम के हर कोने पे 2, 4, 6, 8, 0 यानी हर कोने पे एक इवन नंबर लिखेंगे। अब एम के कोने पे हम 10 डिजिट लिखना शुरू करेंगे। राइट 0 इन द फर्स्ट एंड 1 इन द सेकेंड रॉ इन प्लेस ऑफ 10। तो पहले रॉ में हम रेड से 0 0 लिखेंगे 10 डिजिट के प्लेस पे, और नीचे हम ग्रीन से 1 1 लिखेंगे, और एंड पे हम 2 लिखेंगे ब्लू से। यानी पहले दो में रेड से 0 लिखा, दो में ग्रीन से 1 लिखा, और उसके बाद एंड में 2 2 लिखा हमने। अब बिल्कुल उसी तरह नीचे वाले दोनों रॉ में भी हम एक एम बनाएंगे। इस एम में भी ऊपर की तरह 2, 4, 6, 8, 0 लिखेंगे, जैसे हमने ऊपर लिखा था ये यूनिट प्लेस पे, इसी तरह यहाँ भी तीसरी बार इवन नंबर लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 0। बिल्कुल ऊपर की तरह पहले रॉ में हम रेड से 2 2 लिखेंगे। पहले हमने 0 0 लिखा था, 1 लिखा था, फिर एंड किया था हमने 2 से ऊपर। अब उसे 2 को नीचे स्टार्ट करेंगे, 2 दो नंबर के साथ 2 लिखेंगे। अब पहले रॉ में हमने 0 0 लिखा था, दूसरे रॉ में 1 1 लिखा था, एंड किया था हमने 2 से, फिर 2 से नीचे 2 से स्टार्ट किया था, दो नंबर के साथ 2 लिखा, फिर नीचे सबसे आखिर वाले रॉ में 2 नंबर के साथ 3 लिखा 10 डिजिट पे की जगह पे। अब तीसरे रॉ में आखिरी बच गया है, तो इस पर हम 0 1 2 3 के बाद इसके 10 डिजिट के जगह पे हम 4 लिख देंगे। अब पहले रॉ में हमने 0 0 लिखा था, दूसरे रॉ में 1 1 लिखा था, एंड किया था हमने 2 से, फिर 2 से नीचे 2 से स्टार्ट किया था, दो नंबर के साथ 2 लिखा, फिर नीचे सबसे आखिर वाले रॉ में 2 नंबर के साथ 3 लिखा 10 डिजिट पे की जगह पे। अब तीसरे रॉ में आखिरी बच गया है, तो इस पर हम 0 1 2 3 के बाद इसके 10 डिजिट के जगह पे हम 4 लिख देंगे। अगर हम देने एम के दोनों एम को देखें तो आप ऊपर नहीं देखें तो 4 का टेबल बन गया है। तो अब हम इसी टेबल को ततिवार लिख देते हैं, 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 24 6 24 7 28 4 8 32 4 9 36 4 10 40। हाउ डज द 4 टेबल वर्क? When you multiply for any value, you must use doubling technique twice. This is the technique used for doubling double table. This is an example. 4 2 4 = 2 + 2 4, then 4 + 4 = 8. So 2 4 = 8. Here is another double precession example. 4 5 = 5 + 5 = 10, then add 10 + 10, take double of 10 10 + 10, it is 20. So 4 5 = 20, it is your answer. Third technique is called number plus number double double number technique. Application of double number technique. First of all, we will make 4 time table, 1 4 = 4, 2 4 = 8, 3 4 = 12, 4 4 = 16, 5 4 = 20, 6 4 = 24, 7 4 = 28, 8 4 = 32, 9 4 = 36, 10 4 = 40. So 1 4 = 1. So 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4. 2 2 into 4 2 2 4 = 8 2 4 = 8
टू प्लस टू फोर, फोर प्लस फोर एट, थ्री फोर द ट्वेल्व, तो थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व, फोर फोर द सिक्सटीन, फोर प्लस फोर एट, एट, एट प्लस एट सिक्सटीन, फाइव, फाइव फोर द ट्वेंटी, फाइव फाइव, फाइव प्लस फाइव टेन, टेन प्लस टेन ट्वेंटी, इट इज़ द आंसर, सिक्स फोर द ट्वेंटी फोर, सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी फोर, सेवन फोर द ट्वेंटी एट, सेवन प्लस सेवन फोर्टीन, फोर्टीन प्लस फोर्टीन ट्वेंटी एट, एट फोर द थर्टी टू, एट प्लस एट सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन थर्टी टू, नाइन फोर द थर्टी सिक्स, नाइन प्लस नाइन एटीन, एटीन प्लस एटीन थर्टी सिक्स, टेन, टेन फोर द फोर्टी, टेन प्लस टेन ट्वेंटी, ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फोर्टी. सो यू कैन यूज नंबर प्लस नंबर एंड डबल 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 नंबर टेक्निक. इट इज़ वेरी ईजी एंड वेरी लॉजिकल, यू कैन यूज इट. जितने टेबल टेबल के वीडियो है, इसके आखिर में हम एक के कॉलम, एक टेबल देते हैं जो 15 इंटू 50 होता है, 15 होता है. पहले बॉक्स में हम क्रॉस डाल देते हैं, उसके बाद रॉ में भी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 15, 13, 14, 15 लिखते हैं. इसी तरह कॉलम में भी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 13, 14, 15 लिखते हैं, 15 तक से. यानी रॉ में भी 15 तक लिखते हैं, दो के बाद ए वन छोड़ देते हैं, और कॉलम में भी दो से 15 तक लिखते हैं. अच्छा, अब कॉलम को फिल करेंगे, तो 2 का कॉलम है, इसमें 2 का गैप डाल देंगे. 2 के बाद 2 में 2 ऐड करेंगे, 4, 4 में 2 ऐड करेंगे, 6, 6 में 2 ऐड करेंगे, 8, 8 में 2 ऐड करेंगे, 10. इसी तरह 3 में 3 ऐड करेंगे, 6, 6 में 3 ऐड करेंगे, 9, 9 में 3 ऐड करेंगे, 12, 12 में 3 ऐड करेंगे, 15. इसी तरह 4 में देखें, 4 में 4 ऐड करेंगे, 8, 8 में 4 ऐड करेंगे, 12, 12 में 4 ऐड करेंगे, 16. इस तरह हम टेबल बना लेंगे और ये नीचे तक जाएगा. इस तरह 5 में देखें, 6 में देखें, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में. 14 देखें, 14 प्लस 14 28, 20, 28 में प्लस 14 करेंगे 42, 42 में प्लस 14 करेंगे 56, 56 में प्लस 14 करेंगे 70, 70 में प्लस 14 करेंगे 84, 84 में प्लस 14 करेंगे 98, 98 में प्लस 14 करेंगे 112, 112 में 14 ऐडेंगे 126, 126 में 12 ऐड करेंगे 140, 140 में 12 ऐड करेंगे 154, 154 में 12 ऐड करेंगे 168, 168 में 12 ऐड करेंगे 182, 182 में 12 ऐड करेंगे 96, 196, 196 में 12 करेंगे 210. देखिए ये 15 टाइम है टेबल, तो इसको आसानी से इस्तेमाल करते हैं, 4 का टेबल बना सकते हैं. ये टेबल हम तमाम वीडियो में डाल लें, ताकि इस टेबल में तमाम टेबल मौजूद है.